नमस्कार, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन में। हमारे आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय है कांग्रेस के 3 साल। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है कांग्रेस के इन 3 सालों के बारे में। सर, कांग्रेस के 3 साल के शासन पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस के शासन पर हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। बहुत सालों से कांग्रेस यहाँ राज कर रही है, जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन जनता ने कभी उसके तरफ से कोई वो नहीं किया है कि जनता को कोई सुख मिले, संतोष मिले। जहाँ भी जाओ जनता को मारती है, काटती है, जनता को लूटती है। और कांग्रेस के बड़े बड़े अमलदार अफसर जो है वो बहुत बड़ा बड़ा घोटाला करता है, जनता क्या कर सकती है? जनता के लिए कभी कहीं न्याय नहीं है ये कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार अगर इसी तरह रहेगी तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। कोई कोई अन्ना आया, रामदेव जी आया, सब ने बोले कि भ्रष्टाचार की है वो सब नाबूद करे, लेकिन कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करने देती है। जो भी आदमी कांग्रेस सरकार के पीछे आगे आती है और कुछ बोलती है तो कांग्रेस सरकार उसको दबो देती है, उसको डुबो देती है, उसको मार डालती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। जो उसकी बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ कभी भी वो सामने नहीं आने देती है। और ये देश का बर्बाद करने के लिए वो जो भी हो सका वो सब कुछ उसने किया है। तो हम लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये कांग्रेस सरकार जाए तो देश का कुछ अच्छा होए, या तो कांग्रेस सरकार में कोई अच्छा नेता आवे जो देश के लिए कुछ अच्छा करे। कांग्रेस ऐसे ही करती रहेगी तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आजकल देखो रुपये का मूल्य घटता रहता है और डॉलर का मूल्य बढ़ता रहता है। यहाँ के हिंदुस्तान से तो अमेरिका है इतनी बर्बाद हो गई है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारा इंडिया पीछे रह गया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही है। इकोनॉमिक फ्रंट पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है सर? कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रही है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। उसने कुछ नहीं किया है। जो हम सोचते हैं, हमने जो उम्मीद रखी थी वो उम्मीद के हिसाब से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया है। और महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहे। हर दिन तो आप देखो कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, किराया बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, और आदमी जुलूस निकालता है, आंदोलन करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इससे हम लोग जो मध्यम वर्ग के आदमी हैं उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, वो तो ऐसे ही मरते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार के अंदर सामान्य आदमी है उसका कुछ नहीं रहा है। भाजपा की सरकार भी रह चुकी है, अगर भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में तुलना की जाए तो कौन सी सरकार बेहतर सामने आई है? भाजपा की सरकार ही आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भले कितना ही टाइम शासन किया लेकिन आम जनता को कभी कुछ दुख नहीं हुआ, कोई महंगाई नहीं बढ़ी, कभी आम जनता लूटी नहीं है। कांग्रेस की सरकार आने से ये आम जनता हर बार लूटती रही है, लूटती रही है। आपको लगता है कि इस बार जब चुनाव आएंगे तो कांग्रेस को पटखनी खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी 110%। मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास भी रखता हूं कि ये बार कांग्रेस की सरकार पछाड़ खाएगी, खाएगी और खाएगी। 2014 में किसे वोट करेंगे? हम तो भाजपा में है, भाजपा को ही करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम कुंती देवी। और आपका नाम? गंगा प्रसाद विद्यार्थी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के 3 साल का शासन के बारे में आपकी राय क्या है? 3 साल के विषय में तो बहुत से महंगाई बढ़ गई और जो है कि हम लोग का हर तरह की परेशानी, कहीं दाल चावल या आटा पिसान, किराया भाड़ा, आना जाना सब मुश्किल है। और हम लोग का जुग्गी में जहाँ के हैं तो वहीं पड़े हैं और न उससे आगे बढ़े, न तो हर तरह की परेशानी हम लोग के पड़ी है। और देखो कार आट का गहना जेवर चल रहा था, इस समय कितना हाई फाई रेट चल रहा है, हर चीज़ के महंगाई से तो हम लोग परेशान हैं खुद। आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमारी राय है कि ये तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन एक काम कांग्रेस ने हमारे लिए अच्छा किया है, वो है विकलांग पेंशन हमारे लिए बना दिया है जो आजीवन चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी आई, उसने हमारी इंडस्ट्री एरिया की रोड बिल्कुल पक्की करा दी है, ओके, जो कि 60 साल में नहीं हुई थी, बहुत अच्छी बात निकली। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि UPA सरकार और NDA सरकार में बेहतर सरकार कौन सी रही है तो आप क्या कहेंगे? UPA सरकार में ये महंगाई काफ़ी बढ़ी है। बीजेपी पहले रही चाहिए, जो बीजेपी की जो पहले थी उस समय अच्छी थी। अगर कांग्रेस सरकार को आपको कोई संदेश देना हो? खैर संदेश तो देंगे तो सुनेगा सुनेगा, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं सुनेगा। बस अरते यही रह गया कि अब मैंने अब गरीबों के गरीबों का ध्यान अपना देना लेना यह है कि बीजेपी है,
कि हम लोग का झुग्गी झोपड़ी में कुछ भी होता है जब भी बुलाओ तो भी आ जाते हैं। अच्छा। बीजेपी वाले हैं कि कांग्रेस वाले कि 10 बार जाओ तभी 1 बार नहीं आएंगे। मैं MA इकोनॉमिक्स और BCOM कर चुका हूँ, लेकिन हमें सर्विस आज तक नहीं मिली। ये बड़ौदा हाउस में सर्विस मिले, रिटेन टेस्ट पास, इंटरव्यू पास, लेकिन उस पर भी हमें 1 लाख रुपए घूस मांगी गई। आज उस घूस की वजह से मैं यहाँ फुटपाथ पर काम कर रहा हूँ। 2 साल बाद चुनाव होने वाले, आम चुनाव होने वाले, उसमें आप UPA की सरकार को चुनेंगे या NDA की सरकार को चुनेंगे? तो जैसा जिसको हम देखेंगे उसी का चुनेंगे। अभी तो किसी को नहीं, हाँ अभी तो हम किसी को नहीं देख रहे हैं कुछ तारीफ ही करते हुए। अगर जो करेंगे उसी हिसाब से हम विधायक चुनेंगे ना। मतलब सारी सरकारें तो एक जैसी रहती है, पर इनके समय मतलब जब से इसका वो हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे महंगाई बढ़ी है, घोटाले तो इतने हुए हैं इनके राज में कि अब इतना घाटा हुआ है वो बोल ही नहीं सकते जिसके बारे में इतनी हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह जैसे जैसे वो अन्ना हजारे ने वो लाने की कोशिश की तो वो चीज़ उन्होंने उनको बहला बहला के मतलब आगे टालते गए, लेकिन अभी तक आया नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। और बस इसी तरह से मतलब सही तो कुछ लग ही नहीं रहा है कांग्रेस की सरकार में। 2014 में चुनाव आएंगे तो भाजपा और कांग्रेस में से अगर मैं आपको एक चुनने के लिए कहूं तो किसे चुनेंगे? मैं तो भाजपा ही चुनूंगा। इस 3 साल में तो कहा जाए इतने घोटाले हुए हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े घोटाले, और अच्छे अच्छे आदमियों को ऐसे ऐसी जगह में मार पड़ी है जो आप मतलब सुनेंगे नहीं होगे, देखे नहीं होगे। तो ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार में हर तरह के काम हुए, घोटाले तो इतने ज़्यादा हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, छोटे से लेके बड़े, और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही इनके सर इनकी राज पे, अब कुछ बोल ही नहीं सकते, अब बोलते हुए भी कोई सुन नहीं सकते। जैसे कि अन्ना हजारे बेचारा बोल बोल के थक रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, और वैसे ही बाबा रामदेव लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। समाधान क्या है इसका? समाधान तो यही कि हम जनता को बदलना पड़ेगा, इस सरकार को हटाना पड़ेगा, हटा के वही सरकार को लाना पड़ेगा जो हमारा साथ दे, पब्लिक का साथ दे, सबका साथ दे, और ये महंगाई ना बढ़े। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो सर्वे करे, यानी कि एक एक पब्लिक से जाके बात करे, यानी कि पब्लिक ना कि सैंपल लेके बात करे, ताकि इतने लोग को पता चल जाए कि इतने लोग का ओपिनियन क्या है। उस हिसाब से उनको पता चलेगा कि इस और ऑल ओवर लोग चाहते क्या है, सोचते क्या है, उस हिसाब से फिर उनको डिसीजन लेना चाहिए। उस हिसाब से फिर सब जैसे प्राइस वाइज रहते हैं वो सब उनको फिर उस हिसाब से सब करना चाहिए सरकारी। वो तो है भाजपा को, ऑब्वियसली भाजपा को देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई भी सरकार ये सब कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम तो सब फेस करते हैं, चाहे छोटी सरकार हो, चाहे बड़ी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई। लेकिन यह है कि जब तक भाजपा रहा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहा और कई सरकारें रहे भाजपा की, वो हमेशा हमारे भारत को आगे करने की कोशिश की, चाहे जैसे भी हो। कमजोरों के साथ चलती है भाजपा, हमेशा कमजोरों को लेके चलती है और कमजोरों की उनकी जरूरत को पहचानती है, उनके हिसाब से अपना काम करती है। इसलिए कई जगह पे भाजपा को कांग्रेस ज्यादा सपोर्ट मिलता है और कांग्रेस वो सब नहीं कर पाती जो भाजपा कर लेती है, क्योंकि छोटे आदमी को लेके उठाना ही बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की 3 साल की सरकार रही है वो कैसी रही? इससे अच्छा मेरे ख्याल से BJP जब थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल्स के जो रेट्स थे वो भी काफ़ी स्टेबल थे, मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से महंगाई नहीं आई। जो करप्शन भी देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एज वी कैन से इन 2G स्पेक्ट्रम वो वाला एक, और जब CW हुआ, जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ तब भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने देखा करप्शन बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। महंगाई के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कांग्रेस की नीतियाँ कैसी रही? ज़्यादा अच्छी नीतियाँ नहीं है, बजट भी आता है तो बजट आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं होता है कि आम जनता उस पर रिलाई करे कि सरकार पे, कि हाँ सरकार उसके लिए कुछ कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं, कि उसको लगता ही नहीं, फील ही नहीं है कि कुछ कर रही है। जिस तरह से रेट हर राशन के बढ़ते हैं, एक आम इंसान के लिए सैलरी क्यों नहीं उस हिसाब से बढ़ती, हम लोग की सैलरी भी उतनी हिसाब से बढ़नी चाहिए, हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ रही है, राशन का रेट बढ़ रहा है, अगर इतना बढ़ रहा है तो सैलरी भी प्लीज़ हमारी बढ़ाइए। अगली सरकार जो भी होनी चाहिए वो यूथ पे और बच्चों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, क्योंकि उनकी एजुकेशन और उनकी सोच से इंडिया ग्रो कर सकता है। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखते हैं कि जो सरकार है वो अपने जो सबसे बेसिक लेवल के लोग हैं उनको लेकर चलती है, हॉस्पिटैलिटी के नाम पर यहाँ पर इंडिया में लोगों से अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है और लोगों को ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ती है, यहाँ पे जो आम जनता है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट टाइम BJP नॉट विद कांग्रेस। अगर इनका 3 साल का अगर सारा कार्य देखा जाए तो उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक के लिए हमेशा जो है ना, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है।
इनका अगर नेक्स्ट ईयर में अगर कहते हैं कि हमें इनकी सरकार के लिए, तो हम नहीं चाहेंगे ऐसी कोई सरकार आए जो कि हमारे लिए इतना महंगा, चाहे वो आप सब्जी का रेट देख लो या आप पेट्रोल का रेट देख लो, या ये कह सकते हो कि आम आदमी जो है ना वो उसके लिए जीना मुश्किल है। सर हाल ही में कांग्रेस सरकार ने एकदम से 7 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो उससे एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए किसी भी चीज़ का रेट जब बढ़ता है ना तो उससे हर किसी के ऊपर इफेक्ट आता है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई भी। तो उसके लिए आम आदमी ज़्यादा इफेक्टेड, इससे जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उससे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हर जगह हम लोग अफेक्ट होते हैं। इकनॉमी कभी आपने देखा होगा तो इनका GDP इतना लो हो गया है कि हमारा इकनॉमिक तो लो ही होगा, जब GDP लो है तो किसी भी तरीके से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। अभी पिछले कुछ सालों से हमारा GDP इतना कम हो गया, जहां 6.8 तक जाता था वहां अभी 5.3 हो गया। क्या कांग्रेस की सरकार भारत को विश्व का सुपर पावर बना सकती है? नहीं बना सकती, ऐसे कंडीशन में तो नहीं बना सकती। अगर ऐसे काम करेगी तो नहीं हो सकता। आपके पास और कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है कांग्रेस के सिवा जो आप समझते हैं कि जिससे लोगों का हित होगा? अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस में ज़्यादा हुए हैं, दूसरी पार्टी केवल दो ही नेशनल पार्टीज हैं, या तो BJP है या तो कांग्रेस है। अब जनता के पास ऑप्शन दो ही हैं, अभी एक को देखा ये हाल है, अब दूसरे को देखेंगे। सर मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो सरकार चल रही है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। आए दिन बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग बड़े परेशान। अभी एक्सटेंड देखा जाए कि अभी देखिए तुरंत के हालांकि दिन में 2-4 दिन में अभी 7.5 रुपये पर डे पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इससे बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। हम लोगों को तो बड़ी तंगी है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो देखा आपने, अधिकतर लोगों की राय यही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की ना होकर BJP की हो, ताकि उन्हें महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राहत मिले। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद, नमस्कार।